अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये इंग्लिश भी का आपका यूज़ ऑफ इस एम आर यूनिट नंबर 8 है। ये देखिए मैंने आपके लिए लिखा भी है, यूनिट नंबर 8 यूज़ करना है, यानी कि इस एम और आर कहाँ पर यूज़ होते हैं। इस एम एंड आर वर्ब्स, ये वर्ब्स हैं। एम इज़ यूज्ड ओनली विद द सब्जेक्ट आई, एम आई के जहाँ सब्जेक्ट के लिए आई के लिए यूज़ होता है। आर इज़ यूज्ड विद प्लूरल, और जो है वो जमा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि जहाँ पर जमा, आपको पता पहले भी बताया था, जहाँ प्लूरल हो जमा हो वहाँ यूज़ होता है। एंड विद यू, दे एंड वी, और यू दे और वी के लिए इस्तेमाल होता है। इज़ यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, इज़ जो है वो सिंगल के लिए यूज़ होता है। एंड विद ही, शी एंड इट, ठीक। इसका एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। दीज आर स्टूडेंट ऑफ थ्री क्लास, ये थ्री क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है। देखा ना, ही के साथ इज़ यूज़ हुआ है, दीज के साथ आर यूज़ हुआ है, आई के साथ एम, आई एम अ स्टूडेंट। जैसे ये ना, एम इज़ यूज्ड ओनली विद हीज सब्जेक्ट आई, एम के साथ, आई के साथ एम यूज़ होता है। ये जो है आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है, और इसको आपने याद भी करना है, इसको समझना भी है, यानी कि आपको पता होना चाहिए आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, इस जो है वो सिंगल के साथ आता है, और ये जो आई है ये एम के साथ है, ठीक है। जैसे इसके साथ एग्जांपल भी है, और इससे पहले भी मैंने आपको दीज दैट दोस का जो बताया ना, उसी से आपको पता चल गया होगा। इसको आपने अपने लिखना है, और उसको अपनी कॉपी पे, और उसको याद भी करना है।